चीन के दौरे से खान साहब को उम्मीद जरूर है। लास्ट सऊदी अरब का दौरा यकीनन सक्सेसफुल था, लेकिन सर आपके ख्याल में इस मरतबा जो चीन का दौरा है उससे कितने बेनिफिट पीटीआई की गवर्नमेंट ले सकेगी? सर इनिशिएट तो पिछले एतवार में होते रहे बहुत सी चीजें, देखिए साना, पीटीआई की तरफ जिस से क्या हालत में आएगा? हमें इकॉनमी मिली थी बिल्कुल सांस बंद हो रहा था, ठीक है। उस वक्त सऊदी अरब में खान साहब ने दो विजिट किए और वो जो एक हमें इमीडिएट रिलीफ था, बेल आउट था, वो मिल गया। और सऊदी अरब ने भी कमिटमेंट की एक ऑयल रिफाइनरी की और मिनरल्स में भी इन्वेस्टमेंट की, जिससे और साथ हमें डिफर्ड पेमेंट्स पे ऑयल भी मिल गया, जो हमारा वक्ती तौर पे हमारा काम चल गया। अब चाइना के साथ जैसे चौधरी साहब ने कहा कि जी ज़ाहिर है इनकी तो हुकूमत में भी काम हुआ, पिछली हुकूमत में भी काम हुआ, और इसको हर बंदा एक्नॉलेज करता है, कोई ये नहीं कहता कि नहीं हुआ। लेकिन पिछली हुकूमत ने शोरों वावेला भी बहुत किया, और एक चीज़ उन्होंने डिस्टर्ब सर की, बहुत सी चीजें उन्होंने नहीं भी शेयर की नहीं अपोजिशन के एक चीज़ साथ। डिस्टर्ब भी की, पाकिस्तान और चाइना का जो बायलैटरल बामी ट्रेड था ना, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल हो गया। अब हमारी जो हुकूमत है वो सीपैक को मजबूत करना, उसके जो 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 लेफ्ट ओवर पार्ट है उसको कंप्लीट करना, और साथ साथ चाइना के साथ उस तरह के मुजाकरात करने कि चाइना में हमारी जो भी चीज़ें पॉसिबली जा सकती हैं, बिकॉज हम उसका नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री हैं और रोड लिंक से उनसे मिल रहे हैं। और साथ साथ ये कोशिश करनी है कि चाइना, हम ये हमारी कोशिश होगी कि 1% चाइना जो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान में वो लगाए, फैक्ट्रियां यहां से बनाए, हमारे यहाँ सर उस वन लेबर परसेंट सस्ता से भी है। बहुत फर्क पड़ेगा। 1% अगर चाइना यहां से बनाता है तो $18 बिलियन का हमें उसका फायदा है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि जो बेल आउट पैकेज तो वो है वक्ती है, हमारा काम चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम जो आगे जाएंगे, अभी एक बड़ा मसला आ रहा है जो शायद कोई डिस्कस नहीं करता, अगले साल के बाद जो सीपैक में इन्वेस्टमेंट आई थी उसका मुनाफा वापस जाना है। जब मुनाफा $2 बिलियन का वापस जाएगा ना, तो आपको और आप पे बर्डन पड़ बोझ जाएगा। पड़ेगा बिल्कुल। उस बोझ को कॉम्पनसेट करने के लिए आपने कम से कम 2 सालों में $2 अरब का वो कोई उसको उसको स्पेस क्रिएट करनी है कि कुशन ही चाइना क्रिएट करना हमें है। 2 अरब डॉलर किस तरह और दे। वो कैसे दे सकता है? चाइना की कुछ फैक्ट्रीज यहाँ पे आ जाए, कुछ चाइना प्रोडक्शन यहाँ पे कर दे, या कुछ रॉ मटेरियल जो भी। अब मुझे डिटेल्स तो नहीं पता कि क्या क्या हम चाइना को बेच अच्छा सकते अगर हम हैं। मोटी बात करें सर, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि अगर ये भी प्रोसेस हो जाता है तो क्या फिर आईएमएफ का ऑप्शन माइनस हो जाएगा, या वो अभी भी अपनी जगह मौजूद है? देखिए जितना आपके पास ये फॉरेन करेंसी की स्पेस इकट्ठी होगी ना, उतना आप बोल्ड फैसले कर सकते हैं, वरना जो ही आपका कोई एक एक झटका आता है ना, मतलब ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए, अगर एकदम से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, एकदम से आपके रिजर्व कम हो जाएंगे। जब रिजर्व कम होते हैं ना तो फौरी तौर पे आपकी स्टॉक सर मार्केट, लेकिन आपका ऑयल में डॉलर, पर लीटर हम हाफ तो तकरीबन टैक्सेस लेते हैं ना, आपको आवाम तो ये ये बताऊं सालों कि से शायद ये ये अभी पीटीआई बात ने नहीं कोई किया। करता नहीं है, इस हुकूमत ने आके पेट्रोल पे टैक्स कम किया है, पता नहीं ये डिस्कस क्यों नहीं हो रहा, और मेरे ख्याल है हमारी गवर्नमेंट को भी इसको ज्यादा ओपनली आके सर बताना अभी तो चाहिए। 6 रुपए बढ़ा है वो आपको पता वैसे। 13 रुपए रिकमेंड हुआ था ओग्रा से, 13 रुपए रिकमेंड हुआ, 9 रुपए छे सर 9 रुपए हुआ था नहीं रिकमेंड। तेरह अभी तेरह वो तो 1300 भी कर नहीं सकते नहीं वो आपका, वो देखिए ना, वो कोई आईएमएफ का इदारा नहीं है, आपके मुल्क का इदारा। मैं कहने की बात क्या सर, करूं, लेकिन पिछली इस गवर्नमेंट वैसे गवर्नमेंट मोर ने देन 50% टैक्सेस लेती थी टैक्सेस पर कम, लीटर। टैक्सेस कम कराए, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट सेल्स में जो टैक्स कम किया है अप एंड डाउन जो है वो हो रहा सर, है। 5 किस्म के तो टैक्सेस हैं उसमें जो पर जो लीटर, असल बात मेन है तो ना, सेल्स टैक्स है। मैं कह रहा हूं कि अगर आइंदा ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती हैं तो आपको जो शॉक लगेगा उस शॉक को पुर करने के लिए एक ही तरीका है कि चाइना की प्रोडक्शन को यहां पे लाया जाए।